हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में बनेंगे 25 नए बाईपास, नितिन गडकरी ने की घोषणा। राजस्थान में आने वाले समय में 25 नए बाईपास बनाए जाएंगे। करीब 5000 करोड़ की लागत से राजस्थान में अलग अलग नेशनल हाईवे पर ये नए बाईपास बनाए जाएंगे, जिससे कि आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, शहरों में यातायात का दबाव भी खासा कम होगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राजस्थान की 1357 करोड़ रुपए की लागत से 243 किलोमीटर लंबे 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया और शिलान्यास करते हुए ये घोषणा की। गडकरी ने राजस्थान से नए निर्माण के लिए सहयोग भी मांगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है, राज्य की सीमाएं हमारे देश की सीमाएं हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये बेहद जरूरी है। राज्य में सड़कों के विकास करने के साथ ही गांव, गरीब, किसान और युवाओं की प्रगति होना आवश्यक है। गडकरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका विकास करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2014 में नेशनल हाईवे 7809 किलोमीटर था, आज ये 10106 किलोमीटर हो गया है। राजस्थान के सभी 33 जिलों को हमने राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट किया है। साल 2014 से 22 तक करीब 6102 किलोमीटर की लंबाई की परियोजनाओं का कार्य पूरा किया गया है। अभी राजस्थान में 1,00,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। राजस्थान में 3 फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं, ये राजस्थान की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। 33,000 करोड़ रुपए तो केवल राजस्थान में ग्रीन फील्ड पर खर्च किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्य के प्रस्तावों में CRIF में 900 और सेतुबंध में 700 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि इससे राजमार्गों से जुड़ी प्रतिनिधियों की कई मांग पूरी हो जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि जोधपुर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से 9.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, उसे लेकर कार्य प्रगति पर है। हाईवे के विकास से दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे में पूरी हो जाएगी, जबकि जयपुर से दिल्ली की दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।